टाइम टेबल क्या था पढ़ने? टाइम टेबल सर सुबह 8 बजे यहाँ जाते थे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। गुड मॉर्निंग, सुबह के बज चुके हैं 6। आज मैं सोया था यहाँ पे और अभी चलते हैं ब्रश लाना है पैकेट, फिर बनाएंगे चाय। अभी हमारी मम्मी बना रही है, यू क्या कर रहा है? चावल ना जलिया। यू क्या गिर दिया जलिया में? पानी में घी गिर दिया तेना? ना क्यों? पानी थोड़ा है। और के मम्मी ने डाल दिया दलिया में घी। हाँ लेट्स गो। कई बार पता क्या हुआ, मैं जाऊँ कोई भी बुजुर्ग मैंने टॉप मिला बेटा के करे, मैंने को बीए बोला बेटा साथ में डिप्लोमा भी कर ले, बेटा क्या है कर ले डिप्लोमा कर ले। ला 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 ला। कोई बादल नहीं है, कोई बूंद नहीं है, सूरज है और आसमान है बस। सही पकड़ने का जुगाड़ है गे। तो ठीक से मैं सोचा था यू तकड़ा है फार्मूला है। यहाँ पे चल रहा था प्रतिमा के अंदर है और गर्मी है, एक मने इतनी लगा है। देखियो मेरे को सीने को नहीं दे, गर्मी है ही नहीं। और बैठ जाओ। आज भाई सौरभ हमारे साथ में हरियाणा पुलिस में सिलेक्टेड है। इनका एक्सपीरियंस, इन्हें कैसे पढ़ाई करी, कौन कौन सी किताब पढ़ी, कितना टाइम टेबल था पढ़ने का, तो उनके बारे में इनसे बातचीत करेंगे। ओके, कितने क्वेश्चन सही थे? मेरे 70 क्वेश्चन। और एक्स्ट्रा चार नंबर। और कौन सी कैटेगरी में? एससी कैटेगरी। तो आपने कितने साल तक तैयारी करी? मैंने 2 साल तैयारी करी। 2020 लॉकडाउन में मैंने एडमिशन लिया था सर, तो कंटिन्यूसली उस टाइम से आज तक मेरे पास है, तो मैं डेली टेस्ट रिपोर्ट भी सर के पास देता रहता था, तो इस कारण मैं पूरे स्टाफ की नज़र में रहता था, तो मैंने कंटिन्यूसली रेगुलरली पढ़ाई की, जिस कारण फिर ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में हरियाणा पुलिस में फाइनल सक्सेस। अच्छा, फर्स्ट अटैम्प्ट है ये? फर्स्ट अटैम्प्ट था, हरियाणा का मेरा पहला एग्जाम था। अच्छा, हरियाणा का पहला एग्जाम था और फर्स्ट अटैम्प्ट में फाइनल सक्सेस। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है, कम देखने को मिलता है कि फर्स्ट अटैम्प्ट में सिलेक्शन। यस सर। और ग्रेजुएशन आपकी? ग्रेजुएशन है। ग्रेजुएशन के बाद आपने कोचिंग शुरू करी है? यस सर, मैंने ग्रेजुएशन बीकॉम कर रखी है, तो मैंने बीकॉम करते ही जस्ट आफ्टर सेंटर में एडमिशन ले लिया था, और साथ ही साथ मेरी एमकॉम भी होगी और सिलेक्शन भी हो गया। बात करें सब्जेक्ट वाइज जीके, सबसे पहले जीके अपना यहीं पे? बिल्कुल सर यहीं, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ा। इसके अलावा आईसीएस की किताब पढ़ी? आईसीएस की, बिल्कुल आईसीएस की। इसके अलावा? और इसके अलावा जैसे लूसेंट की किताब है? हाँ लूसेंट की पढ़ी है सर। लूसेंट की पढ़ी? लूसेंट की पढ़ी है सर। और अरिहंत सर मैम पढ़ाती थी पहले, वो जीके वाली अरिहंत की, और बाकी न्यू बुक्स आई तब के बाद ये है। अच्छा, और मैथ? मैथ सर सर का करवाया, किरण की 2-3 बार बुक कर रखी सर। किरण की? किरण की 2-3 बार कर रखी है सर। और बाकी आईसीएस वाले जो हैं 4-5 किताब हैं। और रीजनिंग भी सर यहाँ यहीं से की थी, आईसीएस वाली लॉकडाउन में की थी सर, उसके बाद फिर वो भी सर बहुत बढ़िया। अच्छा, अब क्या रहेगा? इंग्लिश सर यहीं से, पहले नरेंद्र सर से अप्री थी मैम, तो इन्हीं की गाइडेंस में चल यहीं की किताब। ये इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा? नो सर, इसके अलावा कुछ नहीं। इसके अलावा बस किरण की बुक है सर, उससे प्रैक्टिस करता था बस। किरण की इंग्लिश की? किरण की बुक सर। टाइम टेबल क्या था पढ़ने? टाइम टेबल सर सुबह 8 बजे यहाँ जाते थे, तो शाम को सर 4-5 बजे तक यहाँ पढ़ते थे, उसके बाद मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ घर पे, तो 2 घंटे में ट्यूशन पढ़ाता हूँ। उसके बाद ट्यूशन क्या, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते? ट्यूशन पे सर मैनली तो 4-5 साल हो गए सर वैसे ट्यूशन पढ़ाते हुए। अच्छा, मैंने जब ग्रेजुएशन मैडम से लिया था उसी टाइम से पढ़ाता हूँ छोटे बच्चों को, आज भी पढ़ाता हूँ सर, अभी भी पढ़ाता हूँ। अच्छा, अभी पढ़ाते हैं। और फिर 4 बजे तक यहाँ पे पढ़ के फिर शाम को? उसके बाद सर मैं जैसे 1 से 1.5 से 2 घंटा ट्यूशन पढ़ाता था, और उसके बाद फिर खाना पीना खा के मेरा पढ़ता सर 12-1 बजे तक, फिर अपनी पढ़ाई, फिर सुबह फिर यहाँ सेंटर पे जाते थे। 12 बजे तक फिर पढ़ाई सर, और फिर सेंटर पे? यस सर। बहुत बढ़िया यार। सर मैं ये सभी को यही मैसेज देना चाहूँगा कि कंटिन्यूसली पढ़ते चले जाओ, सिलेक्शन अपने आप हो जाएगा। आप लोगों को इस बारे में नहीं सोचना कि सिलेक्शन हो रहा या नहीं हो रहा, अपने आप हो जाएगा। एक टाइम ऐसा भी आएगा कि जब आप में बहुत ज़्यादा नॉलेज हो जाएगी, तो ऐसा एग्ज़ाम भी आपका क्लियर हो सकता है जिसमें आपका पढ़ा हुआ आया ही नहीं, क्योंकि वहाँ फिर आप ऐसे इतना आप में कैलिबर हो जाता है कि आप बेस्ट ऑप्शन को चूज कर सकते हो। काफ़ी यार, बहुत इंटरेस्टिंग है यार। ट्यूशन भी पढ़ाता है भाई देखो, और 3-4 साल हो गए पढ़ाते ना, और भाई साहब के 70 क्वेश्चन करना भाई साहब आसान काम को नहीं, 70 क्वेश्चन भी करना भाई साहब बहुत मेहनत लगे, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है सर। तो भाई बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन है सर, एंड मेहनत रंग लाई आपकी। 12वीं के बाद क्या करना चाहिए किसी को? 12वीं के बाद सर मैं कॉलेज गाइडेंस दूंगा कि कॉलेज करो साथ ही साथ कर लो, लेकिन नॉन अटेंडिंग से करो। सबसे पहले आप अपने घर की कंडीशन देखो कैसी है, अगर जॉब की रिक्वायरमेंट है तो आप पहले सेंटर पे अपनी तैयारी करो और सिलेक्शन प्राप्त करो, उसके बाद जो होगा वो आगे देखा जाएगा सर। उसको नॉन अटेंडिंग के साथ ही साथ कर लो, तो वहाँ से बीए भी हो जाएगी आपकी, जो कुछ भी आप करना चाहोगे, और यहाँ पर आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। तो चलो, थैंक यू सौरभ। थैंक यू सर, मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर।
और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सर, मैं चलता हूँ अब। चलो भाई, ओके, बहुत अच्छा इंटरव्यू हुआ, आपने टाइम निकाला और बच्चों को मोटिवेट करते रहते हो। अभी चलते हैं हम घर। जिंदगी एक सफर है सुहाना। भाई क्या हाल है? ठीक है भाई। मौसम हो गया है ठंडा, ऊपर बादल आ गए हैं। बहुत गर्मी।